शुक्रन, जजाकल्लाह खैर। मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, करामत अली जी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, अगर आप सुन पा रहे हो तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी सर, कभी बताएं कि इज्तिमाई दुआ नहीं करना चाहिए ईद के दिन, तो बुखारी और हदीस है कि जो औरतें हैज से हैं तो कहा गया है कि तुम ईदगाह में जाओ और जी मुसलमानों के साथ दुआ में शामिल हो, तो फिर इज्तिमाई दुआ नहीं करना चाहिए, तो फिर औरतों को बोला गया जाने के लिए, तो इसका थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जी थोड़ा सा मैं जो गुफ्तगू किया उसमें एक बात मैंने ये भी जिक्र किया था, शायद आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, कि जब इमाम खुतबा देता है तो खुतबे में भी इमाम दुआ करता है, उस दुआ में सारे लोगों को शामिल करता है, तो क्या वो दुआ नहीं है? वो दुआ है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअद्दिद दफा ईद की नमाज पढ़ना पढ़ाना साबित है, लेकिन कभी किसी सहाबी ने यह जिक्र नहीं किया कि जब नमाज खत्म हो गई तो इज्तिमाई तौर से लोगों ने बैठ के दुआ किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो दुआ है उससे मुराद इज्तिमाई दुआ नहीं है, उस कैफियत में जो अभी हमारे यहाँ राइज है। पहली बात तो नमाज भी दुआ है, पूरी इबादत दुआ है, उस दुआ के वक्त वो शामिल होंगी, उसकी बरकत उन्हें मिलेगी। अगर इमाम खुतबे में दुआ कर रहा है तमाम मुसलमानों के लिए, उसमें वो भी शरीक होंगी, ये सारी चीजें दुआ हैं, उससे इज्तिमाई दुआ साबित नहीं होती है।